In the last video, we solved 6 questions of exercise 1.2. Now we start question 7. तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं. ए मर्चेंट हैड 78,592 रुपीस विद हर. एक व्यापारी के पास में 78,590 रुपीस थे. सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1,200 ईच. अब उसने 40 रेडियो सेट खरीदने का ऑर्डर दिया है. हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज. तो रेडियो सेट खरीदने के बाद में उसके पास कितने रुपये बच जाएंगे. तो सबसे पहले जो 40 रेडियो सेट का उसने ऑर्डर दिया उसकी कॉस्ट निकालेंगे. तो लिखा है हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वन रेडियो. तो एक रेडियो 1200 रुपये का आता है और 40 रेडियो की कॉस्ट निकालनी है हमें. तो वन रेडियो की कॉस्ट को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 48,000 रुपीज़. तो 40 रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी आ गई, 48,000. अब दिया हुआ है इसमें जो मर्चेंट के पास में स्टार्टिंग में 78,592 रुपीज़ थे. तो लिखा हमने टोटल मनी विद मर्चेंट इक्वल टू 78,592. अब लिखा हमने स्पेंड मनी, जो रेडियो सेट खरीदने में जो उसका अमाउंट खर्च हो गया वो है 48,000. ये तो स्टार्टिंग पैसे थे उसके पास में, इतना अमाउंट स्पेंड खर्च हो गया. अब बचा कितना अमाउंट, जो स्टार्टिंग में अमाउंट था उसमें जो खर्च हो गया उसको माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा लेफ्ट मनी. जो बची हुई मनी है उसके पास में रेडियो सेट खरीदने के बाद में वो हो जाएगी 30,592. नीचे लिख देंगे इसमें हैंस रुपीज़ 30,592 विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज. तो रेडियो सेट खरीदने के बाद में उसके पास इतना अमाउंट बच गया है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है. ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56. एक स्टूडेंट ने इस 7,036 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन करना किससे था उसे, 56 से. अगर हम किसी नंबर को ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन करना था उसे स्मॉलर नंबर से, तो आंसर क्या आएगा, उसे ग्रेटर आएगा. तो पूछा गया इसमें, तो बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर. तो उसका जो आंसर गलत आया है वो करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा आया है. तो निकालेंगे रॉन्ग आंसर कितना है, जो 65 से मल्टीप्लाई किया था. तो 7,236 को अगर हम 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका रॉन्ग आंसर आ जाएगा. अब इसी नंबर को 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा करेक्ट आंसर. 65 से करेंगे तो ग्रेटर आंसर आता है और 56 से करेंगे तो स्मॉलर आंसर आएगा. तो नीचे लिखेंगे डिफरेंस इन आंसर्स, इन दोनों का डिफरेंस कितना है. तो ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर देंगे तो आएगा 65,124. तो उसका जो गलत आंसर आया है वो करेक्ट आंसर से 65,124 ज़्यादा आ गया है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 9, टू स्टिच ए शर्ट. एक शर्ट को सिलवाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड. तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत होती है. आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन. तो 40 मीटर क्लोथ में से कितनी शर्ट बन जाएंगी और कितने मीटर कपड़ा बच जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेमी यूनिट में. तो लिखा हमने क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच होता सिलने के लिए वन शर्ट, इसका 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. अब देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने होंगे, 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 215 सेंटीमीटर. तो एक शर्ट को सिलने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत होती है. अब टोटल क्लोथ कितना हमारे पास में, 40 मीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 40 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 सेंटीमीटर उसकी टोटल क्लोथ की लेंथ आ जाएगी. तो वन शर्ट के लिए तो 215 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत होती है और टोटल क्लोथ हमारे पास में 4,000 सेंटीमीटर. अब हम कैसे निकालेंगे कितनी शर्ट बन सकती हैं, तो टोटल क्लोथ को वन शर्ट की क्लोथ की लेंथ है, एक शर्ट को सिलवाने की जितने क्लोथ की ज़रूरत होती है उसे डिवाइड दे देंगे. तो लिखा हमने यहाँ पर नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड इक्वल टू टोटल क्लोथ की लेंथ डिवाइड वन शर्ट की लेंथ. तो डिवाइड हमने साइड में दिया यहाँ पर, तो 18 का क्वेश्चन आ गया. तो लिख सकते हैं हैंस 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, 18 शर्ट बन जाएंगी और जो नीचे रिमाइंडर बचा हुआ 130 एंड 130 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लोथ विल रिमेन.
तो इस टोटल क्लोथ में से 18 शर्ट बन सकती हैं और जो रिमाइंडर आया नीचे वो इतना मीटर कपड़ा बच जाएगा, 130 सेंटीमीटर बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। तो दवाइयाँ होती हैं उनको बॉक्सेस में पैक किया गया, जैसे कार्टून्स होते हैं छोटे छोटे, दवाइयों को क्या है उन बॉक्सेस में पैक किया गया और एक बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम, तो 4.5 किलोग्राम एक बॉक्स का वेट है। अब एक वैन की कैपेसिटी है, कैपेसिटी की उसमें हम 800 kg वेट ले जा सकते हैं, तो उस वैन में 4 kg 500 ग्राम के कितने बॉक्स हम लोड कर सकते हैं, तो इस कैपेसिटी के कितने बॉक्स उस वैन में लोड हो जाएंगे। अब देखिए पहले दोनों को क्या सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं इसको। अब देखिए हमने लिखा है पे वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम है, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 4 kg में 4000 ग्राम हो गए, तो 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम 4500 ग्राम एक बॉक्स का वेट हो गया। अब मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी ऑफ वैन, जो वैन की कैपेसिटी है हम उसमें कितना ले जा सकते हैं, वो है 800 किलोग्राम, तो इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे, 1 kg 1000 ग्राम, 800 को अगर हम 1000 से डिवाइड देंगे तो 800,000 ग्राम उस वैन की कैपेसिटी आ जाएगी, उसमें इतना हम वेट ले जा सकते हैं। अब हमें पता लगाना इसी कुछ सही तरह ही था, इसमें डिवाइड दिया हमने, तो इस टोटल जो कैपेसिटी है वैन की उसको एक बॉक्स के वेट से डिवाइड देंगे, तो 800,000 को हमने साइड में यहाँ पर 4500 से डिवाइड दिया, कोसेंट आ गया 177 और रिमाइंडर बचा है 3500 जो कोसेंट आएगा, और उतने हम बॉक्स उस कैपेसिटी के उस वैन में लोड कर सकते हैं, तो कोसेंट आया 177, तो लिखा है हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस लोडेड इन ए वैन, डिवाइड देंगे 800,000 को 4500 से, तो कोसेंट आया 170 से लिख देंगे, हेंस 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन, तो उस वैन में हम 177 बॉक्सेस को लोड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड ए हाउस स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। मतलब एक स्टूडेंट के घर से स्कूल तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज, और डेली वो टू वेज में जाती है, जैसे घर से स्कूल आएगी भी और जाएगी भी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज, तो उसने 6 डेज में कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो देखिए पहले इसमें 1 डे का निकालेंगे, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किए घर से स्कूल तक आने में, उतनी डिस्टेंस कवर की उसने स्कूल से घर तक जाने में, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, वो आ जाएगा 1 डे में उसने इतनी डिस्टेंस कवर की है। जो 1 डे की डिस्टेंस आएगी उसको फिर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उन्होंने 6 डेज में पूछा है क्वेश्चन में, तो 6 डेज में कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, जो भी 1 डे की डिस्टेंस आएगी बोथ वेज के लिए उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आएगा 6 डेज में उसने इतनी डिस्टेंस कवर की। तो देखिए कैसे किया हमने, से लिखा हमने डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल, घर से स्कूल तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर 875 मीटर है और स्कूल से घर तक की भी डिस्टेंस उतनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट में लिख दिया हमने बिटवीन को, स्कूल एंड हाउस इक्वल टू 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब निकालेंगे उसने 1 डे में कितनी डिस्टेंस कवर की है, दोनों को ऐड कर दो, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इक्वल टू, तो 5 + 5 = 0, कैरी 1, 7 + 7 = 14 + 1 कैरी 15 का 5 कैरी 1, 8 + 8 = 16 + 1 कैरी 17 का 7, इसकी कैरी जो होगी उसको इसमें ऐड कर देंगे किलोमीटर वाले, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, तो 3 किलोमीटर एंड 750 मीटर उसने 1 डे में डिस्टेंस कवर किया। अब पूछा है इसमें कि उसने 6 डेज में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो जो 1 डे की डिस्टेंस है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इस नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे से उस कैरी होगा उसको किलोमीटर में ऐड कर देंगे, तो उसका आ जाएगा 12 किलोमीटर 500 मीटर, तो उसने 6 डेज में 12 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली उसने, तो लिख सकते हैं हेंस सी कवर्स 12 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस इन 6 डेज।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड। देखिए एक बर्तन में 4 लीटर एंड 500 ml कर्ड है, दही, कर्ड में दही होता है, तो एक वेसल में कर्ड है इतनी। तो इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो 25 ml कैपेसिटी के उस कर्ड में से कितने ग्लास भरे जा सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो टोटल कर्ड है उसको ml में कन्वर्ट कर देंगे। कर्ड है हमारे पास में 4 लीटर 500 ml, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 4 लीटर में 4000 ml प्लस 500 ml, तो 4500 ml टोटल कर्ड उस वेसल में हमारे पास है। अब दिया हुआ इसमें एक वेसल के जो एक बर्तन है जिसमें वो भरी जानी है, तो एक वेसल की कैपेसिटी है 25 ml, छोटे छोटे बर्तन है 25 ml के। अब पूछा था इसमें 4500 ml हमारे पास जो कर्ड है, उस कर्ड से 25 ml कैपेसिटी के कितने ग्लास हम भर सकते हैं। तो टोटल कर्ड को वन वेसल की कैपेसिटी से, जो वन वेसल में कर्ड आ रही है उसकी कैपेसिटी डिवाइड दे देंगे। तो लिखा हमने यहाँ पर नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, इस कैपेसिटी के कितने ग्लास भरे जा सकते हैं, डिवाइड दिया हमने यहाँ पर साइड में, तो 180 आ गया। तो 25 ml कैपेसिटी के हम 180 ग्लासेस भर सकते हैं। तो उसमें नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, हेंस 180 ग्लासेस ऑफ 25 ml कैपेसिटी फ्रॉम 4500 ml कैपेसिटी कर्ड कैन बी फिल्ड, मतलब 180 ग्लासेस 25 ml के 4500 ml कर्ड से हम भर सकते हैं। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे।